हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले भी अगर हम लोगों को पता है था, एक हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप लोगों ने अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा है, फॉर द पॉइंट चार्ज KQ/r2। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अब मैं कोई स्फीयर है उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज क्या बहुत ज्यादा है, उस सिचुएशन में वो जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, उस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक दैट दिस स्फीयर, इफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्फीयर इन सच ए वे, ठीक है, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जो पड़ा वो पॉइंट चार्ज के पड़ा, क्वांटम पॉइंट के लिए, क्वांटम मतलब छोटा सा पॉइंट। अब हम एक स्फीयर है बड़ा सा, उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सिचुएशन में किसकी बात करते हैं हम लोग, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करते हैं वहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से सबसे पहले टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर तीन सिचुएशन की हम लोग बात करेंगे। एक हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया आपका सरफेस चार्ज। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी को लैम्डा से लिखते, इसको लिख देते हैं Q/L। जैसे एक लेंथ है कंडक्टिंग वायर, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किससे लिखते हैं, सिग्मा से, इसको किससे लिख देंगे Q/A से, जैसे लाइक दैट। ठीक है, ये आपके पास एक सरफेस है, स्क्वायर है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम है तो रो से इसको क्या लिख देंगे Q/V। ठीक है, जैसे आपके पास कोई क्यूब होगी, थ्री डायमेंशन में होगी वो, तो वहां किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, जैसे आप लोगों ने कहा एक स्मॉल चार्ज है ये, यहाँ पे एक आपने क्यू नोट चार्ज कंसिडर कर लिया, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फोर्स निकालते थे तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या बन जाएगा, KdQ। ये चार्ज का एलिमेंट क्या मान लिया आपने, स्मॉल एलिमेंट, तो आप KdQ Q0/r का स्केयर। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए लैम्डा क्या लिख देंगे, DQ/dl। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी r, स्मॉल एलिमेंट आप dr लिख लीजिए ना कि dl, dr, क्योंकि r डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना ये, तो क्या बन जाएगा आपके पास लैम्डा की वैल्यू, यहां से KdQ, इसको बाहर लिख लीजिए, K×Q0 dQ×r का स्केयर। अब dQ की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, dQ कितना आपका λ×dr। ठीक है, तो ये बन गया F/r का स्केयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F/Q0, तो क्या बन जाएगा आपका F/Q0, क्या बन जाएगा E, तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, K λ dr/r का स्केयर। ठीक है, तो यहां से टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके फॉर्म में लिख दिया आपने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लगा दोगे, आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, K λ dr/r का स्केयर। इसी तरह सरफेस की फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगी, K σ dr/r का स्केयर, आर कैप। वॉल्यूम की फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगी, K ρ dr/r का स्केयर इंटू आर। जैसे कूलम्स लॉ में फोर्स को लिखा था, बस इसमें इस क्यू नोट को नीचे लिया होगी,
ये क्यू नॉट जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बन जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं, जहां पे डी क्यू एलिमेंट है वहां पे क्या पुट कर दोगे लैम्डा इनटू में डी आर, और टोटल के लिए जैसी सिचुएशन बनेगी उसके लिए हम क्या कर देंगे वहां पे इंटीग्रेशन। आई थिंक समझ आया। कुछ नहीं, ये चार्ज डेंसिटी याद रखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई लैम्डा से लिखते क्यू बाई एल, सरफेस को क्यू बाई ए, वॉल्यूम को क्यू बाई वी। ठीक है, अब कुछ नहीं, जैसे हमने कूलम्ब डायनामिक का एक डी क्यू एलिमेंट मान लिया इस पूरी लेंथ के अंदर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां से डी क्यू इंटू के आर इक्वल्स टू के डी क्यू बाई क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, जब अगर हम एफ बाई क्यू नॉट कर देंगे तो क्या बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम इस केस में क्या बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि एक चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण क्या निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिख जाएगी ई इज इक्वल्स, जहां पे डी क्यू है ना वहां पे क्या पुट कर दोगे लैम्डा इंटू डी क्यू बाई डी आर। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी थी एल थी, ये स्मॉल एलिमेंट मान लिया आपने इसके अंदर। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट को आप डी आर लिख लो, डी एल लिख लो, जो आपकी मर्जी, जिसके हिसाब से आप वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको डी एल भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको डी आर एलिमेंट मान लो, आप टोटल लाइन एल माननी है तो स्मॉल एलिमेंट क्या बन गया डी एल, जनरली हम ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया के इंटू लैम्डा डी एल बाई आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। इसी तरह सरफेस में मानेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कि के इंटू सिग्मा डी आर, जो भी स्मॉल एलिमेंट आपने डी आर मान लिया तो सिग्मा इंटू डी आर बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम अलग अलग केस में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना मेनली बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट क्या करेंगे यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल है आपका, मान लिया एक रोड है आपके पास, लेट अस कंसीडर द रोड, ये एक रोड है। ठीक है, इस रोड के अंदर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपको किसी पॉइंट पी पे यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, मान लिया इस एंड से, ये एंड बी है, ये एंड ए है, इससे इसकी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आपकी एक्स है। ठीक है, ये एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मान लिया आपने यहां पे, जिसपे चार्ज कितना आपका डी क्यू, क्या करेंगे एज अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या मान लें एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। अब इस डी क्यू एलिमेंट से यहां से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी आपकी आर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या मान ली मैंने डी आर मान लिया। ठीक है, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक की कितनी आपकी एल है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ई क्या बन जाएगा स्मॉल एलिमेंट के कारण के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी स्मॉल है तो डी ई लिख सकते हो। टोटल के लिए फिर दोनों साइड क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। अब मुझे डी क्यू चार्ज की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि रोड की डेंसिटी क्या है लैम्डा, इक्वेशन में गिवन है। इफ ए चार्ज वेयर विच यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विच हैव द लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है इस रोड की लैम्डा, तो लैम्डा को क्या लिख सकती हूँ मैं डी क्यू बाई डी आर। तो डी क्यू की वैल्यू क्या बन गई लैम्डा इंटू में डी आर, पुट कर दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन जीरो टू ई कर देंगे तो ये बना आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड। डी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई, क्या बन गया के डी क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी लैम्डा इंटू डी आर अपॉन में आर का स्क्वायर। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, देखो इस एंड से पी पॉइंट कितने पे है आपका एक्स डिस्टेंस पे, और इस एंड से पी पॉइंट कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल। ठीक है, अब कर लीजिए इंटीग्रेशन, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा, लैम्डा को बाहर लिख लो एक्स टू एक्स प्लस एल, और ये पी पॉइंट इस एंड से कितनी डिस्टेंस पे है एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि हमें तो इन दोनों एंड के कारण पूरी रोड के कारण क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिमिट समझ आ गई, तो क्या बन गया डी आर बाई आर का स्केयर, तो के लैम्डा
डी आर इसका क्या लिख लोगे, एक्स टू एक्स प्लस एल, इसका ऐसे लिख सकते हो ना, आर की पावर माइनस टू इंटू डी आर, क्या बन गया के लैम्डा, इसको लिख लो, क्या लिख दोगे, पावर में एक ऐड कर दो, पावर ऐड कर रही पावर नीचे लिख दो, इसका जीरो एक्स टू एक्स प्लस एल क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा यहां से आपको, ये क्या बन जाएगा, ये के इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, ये माइनस बार लिख दो या अंदर ही लिख लो, अभी माइनस बार आ गया तो आर की वन बाई आर, वन बाई आर लिमिट एक्स टू एक्स प्लस एल। अब आप क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर दो, फिर से समझिए, जब इस तरह का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो ठीक है, तो हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसपे चार्ज क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा ठीक है, उस इस पी पॉइंट तक की उस डी क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी आपकी आर है ठीक है, तो क्या बन गया लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी आर ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी आर, तो ये मैं इसको क्या कह दू थोड़ी देर के लिए डी आर कह देती हूँ मैं ठीक है, तो अब आपके पता है वेरिएबल मेरा यहाँ पे आर ही बनेगा ठीक है, वेरिएबल क्या बन जाएगा मेरे यहाँ पे आर, तो लैम के डी क्यू बाई आर स्केयर, तो लैम्डा इंटू डी आर बाई आर का स्केयर, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपने लिमिट ले लिया अब एक्स से, ये टोटल डिस्टेंस कितनी अब आपकी एक्स प्लस एल ठीक है, तो क्या बन जाएगा आर के पावर माइनस टू इंटू डी आर, जब आप इसका लिमिट लगा के सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा यहां से, ये आपका जब आप इसको यहां से सोल्व करेंगे तो बन जाएगा ये माइनस के लैम्डा अपर लिमिट एक्स प्लस एल माइनस लोअर लिमिट वन बाई एक्स, ये माइनस है ना अंदर, इसको बाहर ले जाओ, अंदर ले जाओ, के लैम्डा वन बाई एक्स माइनस एक्स प्लस एल, अरे इस माइनस को जो आप अंदर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो के लैम्डा एलसीएम ले लो एक्स इंटू एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या मिला के लैम्डा एल अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस एल ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, समझ आया, देखो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था इस रोड पे, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था तो मैंने किस तरीके से सोल्व करा, एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर कर लिया किसी भी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, जैसे ये एक रोड है ठीक है, इस रोड के कारण इस पॉइंट मेरी उंगली जान, इस मार्कर के कारण इस उंगली पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ठीक है, मार्कर क्या है, मान लिया चार्ज रोड है ठीक है, तो क्या मान लेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेंगे, कंसिडर निकाल लेंगे ठीक है, ये समझ आ गया, लिमिट ले ली मैंने, लिमिट कहां से, इस एंड से पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, और ए एंड से पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, एक्स प्लस एल पे, तो लिमिट क्या ले लोगे, एक्स टू एक्स प्लस एल, समझ आ गया क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं आप लोग, आपके पास क्या है, एक रिंग है, दिस इज योर रिंग एंड ऑन द रिंग पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड ऑन द रिंग पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ऑन द रिंग पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग है, कैसे रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग ठीक है, अब आपने क्या करा, एक छोटा सा ऐसे पूछ रहा है, फाइंड द, पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ठीक है, रिंग के सेंटर में पूछ रहा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखिए बेटा अब ऐसे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है चार्ज, तो देखो नंबर ऑफ डीक्यू 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 एलिमेंट्स बने हुए हैं, तो क्या मान लूंगी मैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लूंगी ठीक है, ये डीएल एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ठीक है, अब इसके कारण इस पॉइंट पी पे, ये सेंटर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ये एक छोटा सा आपने एलिमेंट यहाँ पे बना लिया ठीक है, जिसका एंगल क्या बना रहा है, डी थीटा, और यहां से एंगल क्या मान लिया आपने, थीटा ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये ऐसे यहाँ पे ऐसे समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी, तो ऐसे आएगी ना आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, तो ये इस डायरेक्शन में आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी
स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिख दोगे? डीई। स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिख दोगे? डीई। समझ आ गया इतना? अब इसके देखो कितने कंपोनेंट बनेंगे इसके। अब देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया, वो क्या बना? डीई साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट जो इधर होगा वो क्या बनेगा? डीई कोस थीटा। अरे सिमिलरली देखो, जैसे ये कहते हैं ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा बना, तो थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट क्या होता है? ए कोस थीटा। और तो उसकी दूसरी साइड वाला क्या बन जाता है? ए साइन थीटा। क्योंकि अगर ये है तो ये भी तो क्या होगा? ए साइन थीटा। भाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल के देख लो जी। जैसे इसको मैं एक्स कह दूं तो एक्स बाई ए क्या बना? कोस थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई? ए कोस थीटा। तो डायरेक्ट याद रख लिया करो, इसके साथ थीटा बनेगा वो वाला कंपोनेंट कोस, और उसके अपोजिट वाला कैसा हो जाएगा? आपका साइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई इसके काम, क्लियर होगी। दूसरा एंड भी लेना चाहो तो ले लो, बाकी आप अगर लिमिट देख लेना, लिमिट आप कहां से कहां तक लगा रहे हो। लिमिट जीरो से पाई लो तो क्या बन जाएगा? डी साइन थीटा। अगर लिमिट को चेंज करो तो इधर वाला भी ले लो एक बार। जैसे मान लो इधर भी मान तो एक एलिमेंट, ठीक है, ये इधर भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया मैंने, जिसका ये एंगल कितना आपका? डी थीटा। और ये एंगल कितना आपका? थीटा। अब इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, डी। ठीक है, अब जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना? डीई कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? डीई साइन थीटा। और इतनी बात समझ आ गई सबको? ठीक है, तो रिजल्टेंट डीई कोस थीटा कंपोनेंट, डीई कोस थीटा कंपोनेंट कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट सो कैंसिल। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चेंज
ठीक है, इसलिए इस डीएल को भी चेंज करेंगे, इस डीएल को भी क्या करेंगे चेंज। तो कैसे, देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एंगल क्या बना, डी थीटा, ठीक है, और ये आपकी आर्क है डीएल, ये रेडियस है। तो थीटा का एंगल क्या लिख सकते हो आप लोग, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो डीएल बाई आर, डीएल को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे आर डी थीटा, क्या लिख सकते हैं आर डी थीटा। तो देखो डी को क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल की वैल्यू निकालोगे क्योंकि डीएल भी हाइट के साथ चेंज हो रहा है, डीएल भी हाइट के कारण क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो डीएल को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल क्या है मेरा थीटा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपका थीटा, तो थीटा के फॉर्म में यानी डीएल को क्या लिखोगे आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो लैम्डा डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से आपके पास, डी क्यू इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, यूजिंग टू इन वन, तो क्या बना डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, अब हमारा एक वेरिएबल तो है डी क्यू, ठीक है, डी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डीएल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लेकिन देखो डीएल एलिमेंट जो है वो भी देखो इस हाइट पे कुछ और है, इस हाइट पे कुछ है, अलग अलग हाइट पे डीएल चेंज हो जाएगा, डीएल की वैल्यू हाइट के कारण सेम, यहाँ पे डीएल 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 एलिमेंट क्या हो रहे हैं आपके चेंज, क्योंकि यहाँ पे हाइट डीएल जो है सेम हाइट पे नहीं है, डीएल जो है सेम हाइट पे नहीं है, यहाँ पे डीएल इतनी हाइट पे 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 है, यहाँ पे इतनी हाइट पे, हाइट चेंज हो रही है ना डीएल एलिमेंट की, इसलिए डी किसके काम चेंज हो रही है, थीटा के साथ चेंज हो रही है। जैसे आप यहाँ हो, डीएल ये कंसिडर करा आपने, डीएल को यहाँ कंसिडर करा, तो यहाँ एंगल थीटा ये है, जो और ऊपर गए तो थीटा और है, तो ये थीटा देखो चेंज होता जा रहा है ना डीएल के साथ, तो डीएल किसके साथ चेंज हो रहा है, थीटा के साथ, और मेरे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी समझ आ रहा है मुझे, थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो मुझे सीधा सीधा कहीं ना कहीं मुझे इस डी क्यू को थीटा की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, मैंने बता भी दिया वैसे क्यों चेंज कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने डीएल को भी क्या करा वहां पर, डी क्यू तो वेरिएबल था ही, तो डी क्यू को मैंने डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया, फिर मुझे मैंने देखा कि ये डीएल भी तो हाइट के कारण अलग अलग पॉइंट पे एंगल के साथ चेंज हो रहा है, ये पॉइंट ऐसे समझ लो, डीएल आल्सो चेंज विद हाइट, डीएल आल्सो चेंज विद हाइट, डीएल यहां मानू तो ये एंगल है, डीएल को यहां मानू तो ये एंगल है, तो डीएल भी है तो हाइट के कारण क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है विद एंगल थीटा, इसलिए डीएल को मैं कैसे चेंज कर सकती थी, मुझे पता था कि डी थीटा एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो डी एल की वैल्यू क्या बन गई आर डी थीटा, और मेरे पास इंटीग्रेशन भी इसी फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहां से डी ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू टू के डी क्यू, के डी क्यू की वैल्यू क्या है, इसको नंबर पी कह दो, इसको इक्वेशन पी कह दो, इसको इक्वेशन आर कह दो, यूजिंग द इक्वेशन, यूजिंग द इक्वेशन P in R in P, R in a P, तो क्या बन जाएगा E is equals to 2 K dQ, dQ की वैल्यू क्या है lambda R d theta, lambda R a d theta, ठीक है, into sin theta, into sin theta upon में R का square, R से R cancel, तो 2 K lambda into sin theta into d theta। अब बात आती है लिमिट की, तो देखो तुमने ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, तो सिर्फ एक डी साइन थीटा है बचा ना, तो ये लिमिट यहां से यहां तक कितनी वैरी करेगी, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, तो लिमिट क्या लगा दोगे जीरो से पाई बाई टू। अगर आप यहां टू से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो देखो टू से नहीं करा दो आप डी साइन थीटा लिया तो आप पूरा घूमगे, तो लिमिट क्या ले लोगे जीरो टू पाई, इस बात को समझ लेना ध्यान से, ठीक है। फिर से बताती हूँ लिमिट वाला कंसेप्ट एक बार सॉल्व कर देती हूँ, फिर लिमिट वाला कंसेप्ट भी समझाती हूँ दोबारा से कैसे आया, ठीक है, एक बार देखो सॉल्व कर लो, क्या बना टू के लैम्डा, तो क्या बना साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, लिमिट लगा दी जीरो टू पाई बाई टू, तो क्या बना टू के लैम्डा, ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास ये साइन थीटा,
क्या बना आपके पास, ये बाहर लिख लो, तो क्या बना, कोस कोस पाई बाई टू माइनस कोस जीरो, तो क्या बन गया, टू के लैम्डा कोस पाई बाई टू जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। ठीक है, ये नीचे एक आर बचा हुआ है, ये आर भी है नीचे, देखो आर स्क्वायर था ना, तो एक आर बचा हुआ है नीचे, ये आर आएगा नीचे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, टू के लैम्डा वाई आर। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या आएगा, टू के लैम्डा वाई आर, इसको खोलोगे तो के को क्या लिख सकते हो, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर, टू से टू कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन में टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझिए क्वेश्चन को, मैं फिर बताती हूँ आप लोगों को, अगर आप यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, जैसे मैंने दो कंपोनेंट है, डी कॉस साइन थीटा, डी साइन थीटा, ठीक है, तो देखो ये डी साइन थीटा, एक डी साइन थीटा, एक डी साइन थीटा तो इतने पार्ट के लिए था, एक डी साइन थीटा इतने पार्ट के लिए था, मैंने दोनों का ऐड करके दो से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास डी साइन थीटा ही तो बचाना वेरिएबल, डी साइन थीटा एक कंपोनेंट जीरो से पाई बाई टू तक ही बचाना, क्योंकि ये एंगल रिंग में, ये जो एंगल है ये रिंग में यहां से यहां तक तो वेरी करा, तो ये एंगल कितना बना, 90 तो बनाना। ठीक है, लेकिन अगर आप मान ली इसको भी ना कंसीडर करना चाहो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं बताती हूँ तुम डिफरेंट वे से कंफ्यूज कैसे कैसे हो सकते हो। मान लिया मैं इस एलिमेंट को भी ना लू, सिर्फ मैंने इसका एक एलिमेंट मान लिया, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया कि मैंने एक ही एलिमेंट ले लिया इसका, ये वाला सिर्फ, इसकी कहानी क्या वैल्यू आई, डी साइन थीटा आ गई। ठीक है, मैंने इधर वाले को कंसीडर नहीं करा, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया पूरी रिंग में, और उसके कारण क्या करे आपको सोल्व करा, तो देखिए सेकंड तरीका, देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में देखिए, सेकंड मेथड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ किसके कारण होगी, डी साइन थीटा। अब पूरी रिंग में अभी डी साइन थीटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड में इधर भी और इधर भी, तो आप लिमिट कहां से कहां तक वेरी करोगे, जीरो से पाई, क्योंकि पूरी रिंग कितनी है, जीरो टू पाई। अब देखो सोल्व करके बताती हूँ, अब देखो आंसर वही आएगा उसी फॉर्म में, तो डी साइन थीटा, तो क्या आप डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब डी क्यू वेरिएबल है, डी क्यू को क्या लिख सकते हो, पीछे जैसे समझाया था, डी क्यू को क्या लिख दोगे, डी क्यू को क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू को क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, अब डी एल भी वेरिएबल है, हाइट के कारण डी एल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंगल के साथ, तो इसको क्या लिख लोगे, यहां से ये डी थीटा, ये डी एल, ये आपका आर, तो डी थीटा क्या बन गया, आर का अपॉन रेडियस डी एल बाई आर, तो डी एल कितना बन गया आपका, आर डी थीटा। तो यहाँ पे याद रखना डी क्यू को क्या लिख दूंगी, लैम्डा आर डी थीटा, या पुट करोगे तो क्या बना, जीरो टू पाई, ठीक है, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जी आर वही है, स्मॉल आर ले लो या कैपिटल लो, ये रेडियस वही है, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, आर से आर कैंसिल, क्या बना, जीरो टू पाई के लैम्डा डी थीटा साइन थीटा अपॉन में आर, इसको बाहर लिख लो। ठीक है, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो टू पाई के लैम्डा बाहर लिख लो, के लैम्डा, ठीक है, जीरो टू अपॉन में आर, जीरो टू पाई डी थीटा साइन थीटा, ठीक है, के लैम्डा आर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का कोस थीटा, जीरो टू पाई, लिमिट लगाओ अब आप लोग, लिमिट जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहां से ये आपका के लैम्डा आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस पाई माइनस कोस जीरो, ये मैंने माइनस था बाहर लिख दिया, के लैम्डा बाई आर,
ठीक है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन और कोस जीरो भी माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है, इंटू दिस। तो देखो पीछे वाले केस में भी क्या आया था, ये वन वन प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो पीछे वाले फर्स्ट मेथड से करा, जब लिमिट क्या ली थी जीरो टू पाई बाई टू, तब भी मेरा आंसर टू के लैम्डा बाई आर आया, जब मैंने लिमिट जीरो टू पाई ली तब भी आंसर क्या आया टू के लैम्डा बाई आर। अब मैं फिर से बता रही हूँ, लिमिट में डाउट मत रखना मैं कैसे ले रही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सिर्फ इस एंगल इस पॉइंट को मान रहे हो तो देखो ये डी क्यू आप इधर मान रहे, एक सिंगल मान लिया आपने, ठीक है, तो आपने क्या करा लिमिट, आप भी टोटल रिंग कितने एंगल पे वेरी कर सकती है, जीरो टू पाई, रिंग तो एंगल जीरो से पाई बना सकती है ना, दिस इज द एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर तुमने क्या करा, इतने से पार्ट का एक कंपोनेंट ले लिया, इतने से पार्ट का भी एक कंपोनेंट मान लिया था पीछे, ठीक है, तो उन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, ठीक है, तो ऐड कर दिया, तो आप सिर्फ इतने से पार्ट का ही तो वेरिएशन बचा डी साइन थीटा, क्योंकि तुम टू से इस वाले के काम टू से मल्टीप्लाई कर चुके ऑलरेडी, तो वो लिख दिया टू डी साइन थीटा, तब लिमिट क्या लोगे सिर्फ जीरो टू पाई बाई टू, क्या लोगे जीरो टू पाई बाई टू, क्योंकि तुमने डी साइन थीटा डी साइन दोनों को ऐड कर दिया, तो डी साइन थीटा तो एक ही साइड का कंपोनेंट बचा अब आपका, क्लियर। तो आप जब दोनों को दो बार लिख चुके, देखो हाफ और हाफ, इसके कारण दोनों के कारण ऐड कर दिया ना, ऐड कर दिया तो लिमिट सिर्फ इतनी ही तो वैरी करेगी यहां से यहां तक, तब लिमिट क्या ले लोगे जीरो टू पाई बाई टू। सीधी सी बात, अगर टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिमिट क्या ले लोगे जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है, या आप इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हो यहीं पे, जैसे मैं ऐसे कहूं डीई साइन थीटा, ठीक है, प्लस डीई साइन थीटा था ना पीछे वाले केस में, देखो एक के कारण डी साइन थीटा इस दूसरे के कारण भी क्या है डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा डी साइन थीटा, तो जीरो टू पाई बाई टू जीरो टू पाई बाई टू, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, इस ये वाला डी साइन थीटा यहां तक था जीरो टू पाई बाई टू, यहां से ये भी कितना हो गया पाई बाई टू टू जीरो, ठीक है, तो इसको लिमिट लगा दो पाई बाई टू टू जीरो, तो आंसर सेम आएगा आपका, आंसर में वहां पे चेंजेज नहीं होंगे, क्लियर हुई बात। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कि लिमिट कैसे ली, तो लिमिट ध्यान रखना इस बात से कि आप कैसे ले लो। बाकी मैंने जो बेसिक मेथड बताया है कि एक पॉइंट चार्ज मान लो, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। फिर मैंने ये भी बताया कि भाई डी साइन थीटा क्यों लिया, मान लो तुम इधर वाला कंपोनेंट मानोगे तो ये डी कोस थीटा और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड तो तुम्हें सिर्फ किस कंपोनेंट के कारण मिलेगी, साइन थीटा कंपोनेंट के कारण। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लिमिट का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 टू पाई बाई 2 लो, अगर नहीं भी लो तो अलग अलग कंसिडर कर लो, डी साइन थीटा एक कंपोनेंट एक साइड का हो गया और डी साइन थीटा एक कंपोनेंट आपका दूसरी साइड का हो गया, ठीक है। इसमें भी वेरिएशन 0 टू पाई बाई 2 होगा, इस साइड से बात करूं उसमें भी वेरिएशन कहां से कहां तक हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, दोनों को आपस में क्या करोगे ऐड करोगे तो आंसर सेम आएगा, करके देख लेना थर्ड मेथड अपना, ठीक है, बस आई थिंक क्लियर होगा। अब ये क्लियर हो गया तो बाकी सारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से बता देती हूँ कि आपका कंपोनेंट ले लो स्मॉल एलिमेंट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो ले लो, अब आंसर हमारा डी क्यू की फॉर्म में रह गया। अब डी क्यू भी वेरिएबल है पूरी रिंग पे, डी क्यू को लिखा लैम्डा इंटू डी एल, लेकिन डी एल भी तो हाइट के कारण चेंज हो रहा है एंगल के साथ, जैसे इस रोड में तो क्या था डी एल चेंज नहीं हो रहा था, डी एल यहाँ भी डी एल ही रहेगा यहाँ भी डी एल ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो डीएल हाइट के कारण चेंज हो रहा है ना थीटा के साथ, इसलिए डीएल को भी थीटा की फॉर्म में लिखा आर डी थीटा, फिर इंटीग्रेशन करा तो यू गेट आंसर, आंसर क्या है टू के लैम्डा बाई आर। अब डायरेक्शन पूछे तो देखो रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर आ रही है वाई डायरेक्शन में, तो आंसर में क्या लिखोगे माइनस का जे कैप, वेक्टर फॉर्म में आंसर क्या आएगा माइनस का जे कैप, क्लियर समझ आ गया सबको इतना। ठीक है आज के लिए अभी इतना ही, अगले वीडियो में हम इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे, इसी कंसेप्ट से कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या करेंगे डिस्कस करेंगे।